हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब यहाँ बिहार से मेरा रिटर्न का जर्नी स्टार्ट होने वाला है और अभी पाटलिपुत्रा जंक्शन पहुँच गए हैं। और जो मेरे पीछे देखिए, मेरे पीछे जो गाड़ी लगी है इसी से जाने वाले हैं और बिहार को बाय बाय करने वाले हैं। 3-4 महीना के बाद आएंगे छुट्टी लेके और 13-14 दिन का छुट्टी खत्म हो गया है और 2 दिन बिताने के बाद फिर ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 दिन पहले जाना पड़ता है, जब छुट्टी ख़त्म होता है उससे 2 दिन पहले जाना पड़ता है, फिर 2 दिन के बाद फिर 3रा दिन ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा। तो ड्यूटी के लिए निकल गए हैं और बिहार को बाय बाय करने वाले हैं। अभी आधा घंटा में मेरा ट्रेन खुलने वाला है, तो चलिए इधर रिटर्न का जर्नी मैं आप सबको पूरा दिखाऊंगा, बताऊंगा इधर से कितना ट्रेन चेंज करना पड़ता है और किस तरह से जाते हैं, ये भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। और इधर अलाउंस हो रहा है उससे थोड़ा आवाज़ कम आ रहा होगा, ठीक है। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि इधर से कितना ट्रेन चेंज करना पड़ता है और किधर से जाते हैं। उधर से जब पार्टी से आ रहे थे, जब सिकंदराबाद से आए, फिर इधर से जाएंगे तो टाउंड होते हुए, मड़वान होते हुए, भुसावल होते हुए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये मुंबई जाती है ट्रेन, जिससे हम जा रहे हैं वो मुंबई जाती है कल्याण होते हुए। तो हमको मड़वान तक जाना है, फिर वहाँ से चेंज करना पड़ेगा दूसरा ट्रेन। तो चलिए पूरा जर्नी मैं आप सबको दिखाऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी पाटलिपुत्रा जंक्शन पहुँच गए हैं और यहाँ से मेरा ट्रेन है मनमाड़ के लिए। देखिए गाड़ी कौन सा है, पाटलिपुत्रा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, इसी से आज सफ़र करने वाले हैं। और मेरा सीट है B4 में, B4 आगे है, यही बोगी है। लेकिन अभी टाइम से बहुत ज़्यादा 1-2 घंटा पहले पहुंच गए हैं तो अभी गेट उट बंद। अभी पूरा बोगी का साफ़ सफाई हो रहा है क्योंकि अभी ये ट्रेन खुलने में आधा घंटा टाइम है। देखिए सफाई कर्मी पूरा लगा हुआ है और ये जो पाइप है इसमें पानी आता है, उसी से पूरा जो बोगी है ट्रेन है उसका साफ सफाई होता है। तो 1 घंटा पहले आ गए थे स्टेशन और गाड़ी लगी हुई है अभी, तो आके सीट पे बैठ गए और साफ सफाई जितना भी होता है बोगी में। कहाँ पे मेरा सीट है चलिए मैं आप सबको दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए 30C का, इधर पाटलिपुत्रा का, उधर से तो दूसरा ट्रेन से आए थे लेकिन इधर पाटलिपुत्रा से जा रहे हैं। और देखिए 31 नंबर मेरा सीट है, गेट के पास ही है, देखिए, और यही गेट के पास है, जस्ट गेट के बाजू में ही है। और सामान वामान रख दिए हैं यहीं पे, 32 ऊपर वाला है और 31 मेरा। और इधर देखिए पूरा, इसमें LHB कोच में 31-32 तक रहता है। इस ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट बहुत सारा दिया हुआ है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो उधर हो गया और बाकी एक इधर है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे है और एक ऊपर में है। जितना सीट है उसके लिए उतना चार्जिंग पॉइंट दिया है। पाटलिपुत्रा से इस गाड़ी का खुलने का टाइम है 11:05 और अभी गाड़ी खुल गई है बिल्कुल राइट टाइम। देखिए अभी धीरे धीरे जा रही है और बिहार को बाय बाय कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए कब आते हैं, लगभग 3-4 महीना लग ही जाएगा आने में बिहार। तो बाय बाय बिहार, बाय बाय पटना, बाय बाय दानापुर, सभी को बाय बाय कर रहे हैं। ऐसे तो मेरा टिकट स्लीपर में था लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण मैं फिर से 3rd AC में करवाया हूँ।
और अभी थर्ड एसी में जा रहे हैं। गर्मी इतना है कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर अभी बिहार में। अभी जस्ट दानापुर से गाड़ी निकल चुकी है और पाटलिपुत्रा से होते हुए दानापुर, आरा, बक्सर, मुगलसराय होते हुए मड़मार की ओर जाएंगे। अभी तो कल सुबह में पहुंचेंगे 10-11 बजे और अभी सुबह के 11 बज रहा है। सुबह से रात हो गया है दोस्तों, अब खाना पीना खा के जाते हैं सोने के लिए। पूरा लाइट वाइट भी जल गया है और अभी देखिए इधर बाथरूम। चलिए फ्रेश होके खाना उना खाते हैं, फिर कल सुबह में मिलेंगे। क्योंकि पूरा अंधेरा छाया हुआ है, लाइट जल रहा है, तो थोड़ा कैमरा में फोटो आ रहा है, अगर अंदर जाएंगे तो पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, खाना उना खाते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा अंदर का व्यू आप सबको दिखा देते हैं। रात के समय में सब अपना अपना सीट पर सोया हुआ है। देखिए ओढ़ना बिछौना लेके, और मेरा देखिए यहाँ पे है ओढ़ना बिछौना। खाना उना खाते हैं अभी, अभी रात के लगभग 8 बजने वाला है। और उधर देखिए सब आराम कर रहे हैं, हम भी अब खाना उना खा के आराम करते हैं। अभी देखिए गाड़ी पास हो रही है, रात में पूरा फास्ट गाड़ी रहती है। देखिए भुसावल का लोको शेड है, यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रिक इंजन है वो सब बनता है और रिपेयरिंग होता है। अभी जस्ट मनवाड़ स्टेशन पहुँचे हैं, फिर यहाँ से दूसरा ट्रेन चेंज करके जाना पड़ेगा। एक ट्रेन तो छोड़ दिए दानापुर से मनवाड़, जो जिससे आ रहे थे वो तो उससे उतर गए, और फिर यहाँ से दूसरा ट्रेन बदल के टाउन तक जाना पड़ेगा, फिर टाउन से पार्टी के लिए पकड़ना पड़ेगा। तो इधर से जाते समय बहुत सारा ट्रेन चेंज करना पड़ता है, 3-4 गाड़ी हो जाता है। जैसे अभी आए हैं एक गाड़ी तो ख़त्म हुआ, फिर दूसरा गाड़ी पर अभी चढ़ेंगे, फिर टाउन तक जाने के बाद फिर बाड़ी के लिए दूसरा ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। तो इधर से बहुत सारा ट्रेन हो जाता है, 3-4 ट्रेन हो जाता है। और यहीं तक मेरा टिकट था दोस्तों, और इधर का मौसम भी अभी बहुत अच्छा है, और बिहार में तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, इसीलिए थर्ड एसी का टिकट बना के आए उसने। और इधर का मौसम देखिए बहुत सुहावना है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रहा है, जैसे ठंडी का मौसम रहता है उस टाइप का है अभी। तो इधर किसी तरह से चले जाएंगे, और डाउन से देखिए कौन सा गाड़ी पकड़ते हैं, फिर आप सबको बताएंगे। अभी गाड़ी आने वाली है डाउन के लिए, तो वही पकड़ेंगे। ये है वास्को डी गामा, गोवा जाती है, तो वही ट्रेन पकड़ेंगे और जाएंगे।
ठीक है, तो चलिए बने रहिए वीडियो में। थोड़ा मड़वार जंक्शन का व्यू दिखा देते हैं आप सबको दोस्तों। यही देखिए, इस पर मेरा गाड़ी आने वाली है और इधर तीन चार स्टेशन हैं, प्लेटफार्म स्टेशन नहीं प्लेटफार्म है। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है मड़वार जंक्शन। यहाँ से दो रूट के लिए गाड़ी जाती है, एक तो मुंबई पुणे हो गया, मुंबई नासिक हो गया उधर जाती है, और एक इधर डाउन साइड में जाती है, डाउन पुणे हो गया उधर। यहाँ से दो रूट के लिए गाड़ी मिल जाती है। तो देखिए यहाँ तीन चार प्लेटफार्म है, एक दो तीन, इधर चार नंबर। तो चार नंबर पर गोवा के लिए गाड़ी आ रही है, तो उसी से अभी जाने वाले हैं। और भीड़ भी देखिए धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। चलिए डाउन तो पहुंच गए, अभी जस्ट पहुंचा हूं। और दो गाड़ी का जर्नी कंप्लीट हुआ, दानापुर से मनमार और मनमार से डाउन। अभी यहां से तीसरा गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो लगभग 5:45 बजे आएगी, चेन्नई एक्सप्रेस, उसी से जाना है वाडी। और अभी बज रहा है 4:30, अभी एक घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी जस्ट यहां आए हैं, ये डाउन स्टेशन हुआ, एक डाउन कोड लाइन हुए, तो जिस गाड़ी से आए वो कोड लाइन होते हुए पुणे जाती है, तो कोड लाइन में उतरे, फिर वहां से ऑटो से आए डाउन स्टेशन। तो अभी जस्ट आए हैं, फिर अभी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहां से चेन्नई एक्सप्रेस आएगी 5:45 बजे, फिर उसी से जाना है दोस्तों। मनमार से तो किसी तरह से आ गए हैं बिना टिकट का, टिकट तो मेरे पास था नहीं, आठ बोगी में आना पड़ा। तो देखिए यहाँ से जो बोगी खाली रहेगा, जिसमें सीट रहेगा वहाँ पे बैठ के जाएंगे, अगर सीट नहीं खाली रहा तो फिर गार्ड बोगी में जाना पड़ेगा, चाहे जो जनरल बोगी है उसमें जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, तो इंतजार ही कर रहे हैं, और यहाँ 5:45 बजे गाड़ी आएगी, तो फिर बाडी हम पहुँच जाएंगे 10:30 बजे। लगभग 7-7.5 घंटा का यहाँ से सफ़र है वाडी के लिए। अभी तो गाड़ी आने में 1 घंटा बच रहा है, तो इतना देर में कुछ नाश्ता उस्ता कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह में और ना ही दोपहर में खाना खाए थे कुछ, तो अभी टाइम मिल रहा है तो कुछ खा लेते हैं। ठीक है, इधर से आने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे बाडी से गांव गए तो उतना तो कुछ परेशानी नहीं हुआ, दो गाड़ी चेंज किए और गांव पहुंच गए, लेकिन गांव से जब बाडी आते हैं तो लगभग 2-3 गाड़ी चेंज करना ही पड़ता है। तो टुकड़ा टुकड़ा करके आ रहे हैं, मड़वार आए, मड़वार से फिर डाउन आए, डाउन से फिर अब बाडी जाएंगे, तो इधर तो थोड़ा परेशानी होता है। और दो गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन वो अभी इस टाइम वो गाड़ी था नहीं, इसीलिए टुकड़ा टुकड़ा करके जाना पड़ रहा है, और वो भी अकेले हैं तो इस तरह से जा रहे हैं। अगर फैमिली के साथ रहते हैं थोड़ा वेट करके वही गाड़ी से जाते हैं, जैसे मड़वार तक आए, फिर मड़वार से एक दिल्ली से आती है के जाती है बेंगलोर, वो 3 बजे लगभग मड़वार में आती है, और जिससे हम उतरे वो 11 बजे उतार देती है। तो मड़वार में 6-7 घंटा वेट करना पड़ता है, अगर फैमिली के साथ रहते तो, फैमिली के साथ नहीं है तो टुकड़ा टुकड़ा करके जल्दी थोड़ा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर उससे आते तो लगभग 2-2.5 बजे पहुँचते हैं बाडी, जो के है, के 2-2.5 बजे बाडी पहुँचाती है जो दिल्ली से आती है। तो चलिए उससे पहले पहुँच जाएंगे, लेकिन थोड़ा इधर उधर बैठ के जाना पड़ रहा है।
तो चलिए दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। अब पार्टी के लिए जो गाड़ी आने वाली थी कुछ देर में, 5-10 मिनट में आने वाली है। तो चलिए वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। और लगभग 80% मेरा जर्नी कंप्लीट हो गया है। 20% जर्नी अभी बच रहा है। अगर 20% जर्नी आप तक दिखाएंगे तो पूरा लेला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब गाड़ी स्टार्ट होगी फिर जब पार्टी पहुँचेंगे तो रात का 10, 10:30, 11 भी बज सकता है, और उस टाइम वीडियो क्लियर आएगा नहीं। तो इसीलिए इसी टाइम वीडियो को समाप्त करते हैं, और इस जर्नी में इतना ही। और जब रूम पे जाएंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और कुछ अलग दिखाएंगे और बताएंगे आप सबको, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। ये पूरा जर्नी आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।